तो यार आवाज भी रुद हो रही है, इतना ज्यादा प्यास लग चुकी है। दो सौ ढाई सौ किलोमीटर लगभग हो गया है और कोई कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, करीब 8 बजे सुबह मैं अपने घर से निकल गया हूँ और दो तीन गांव क्रॉस करने के बाद मतलब मुझे एक हाईवे मिलेगा जो एक तरफ तो वाराणसी की तरफ, वो मतलब आप जा सकते हो, दूसरी तरफ आप जाओगे तो आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिलेगा। ये हाईवे अगर आप सीधे जाओगे तो वाराणसी चले जाओगे, लेकिन हमें ये सफ़र का शुरुआत है दोस्तों। और देखिए, मतलब गाड़ी का तेल खत्म हो गया यार और अभी लेके जाना पड़ रहा है पेट्रोल टंकी। यहाँ से करीब आई थिंक आधे किलोमीटर होगा, ये क्या सामने दिख रहा है, तो मतलब पास ही में ख़त्म हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, शायद यही सब सीखने को मिलता है आपको, पेशेंस रखना पड़ता है ट्रैवल में। 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ये देखिए पेट्रोल टंकी, और ये रही मेरी हालत, पसीने से तर बदर। शायद यही लखनऊ के लिए जाता है, आई थिंक सो, बिकॉज अभी रास्ते चेंज हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि और भी लोग भटके हुए हैं आई थिंक। तो शायद यही लखनऊ के लिए अभी जाएगा, तो मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो नहीं पता था कि बाइक का भी लगता है यार, पर ठीक है, 295 ना, ठीक है, लखनऊ तक का 295 रुपये हो गया। ले लीजिए। कोई दिख नहीं रहा है इस हाईवे पे, और मुझे सीरियसली बहुत पसंद आता है अगर हाईवे पे कोई दिखता नहीं है तो, क्योंकि अकेले रहते हो आप जब काफ़ी देर तक, तो मतलब आप आउटर वर्ल्ड में देखना कम, थोड़ा सा इनर वर्ल्ड में ज़्यादा देखने लग जाते हो, खुद के बारे में सोचने लग जाते हो। तो यार आवाज़ भी रुद हो रही है, इतना ज़्यादा प्यास लग चुकी है और मैं दूर दूर तक देख रहा हूँ। तो इस रोड पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ भी दुकान नहीं है। वो दूर मुझे एक नल पंप दिख रहा है, आप देख सकते हो, वो यहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ लेकिन उतरने का भी कोई रास्ता नहीं बनाया है। तो और देखिए आप, एक एक व्यक्ति कभी कभी इस पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस रोड पे आप देखेंगे तो कभी कभी 4-व्हीलर बस दिखाई देती है। मतलब इस रोड पे आप कभी भी आएँ तो पानी का बॉटल ज़रूर लेके आए यार, क्योंकि बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, और बाइक भी आपको एक लगातार चलानी पड़ रही है, कहीं भी रुक नहीं सकते हैं क्योंकि कोई रुकने की जगह नहीं अभी बनी हुई है, क्योंकि अभी बिल्कुल रोड नया है। भैया अब भैया, पानी वानी पीना हो तो कहाँ जाना होगा, इस रोड पर पानी लखनऊ। हाँ, यार भैया पानी नहीं मिलेगा क्या कहीं इधर, कहाँ पे, इसमें है पानी, अरे भाई यार ये कोई घड़ा है भाई, इस घड़ा में शायद पानी है, मैं यहाँ भी पी सकता हूँ, तो उसको ये रखा हुआ है, लेट्स सी। आप देख सकते हैं कि हमें घर पे आराम से पानी मिलता है तो कितना आसानी से हम पी लेते हैं और बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं होते हैं। अभी पानी मुझे करीब 150 किलोमीटर तक नहीं मिला और इतनी धूप में, तो लग रहा है सिर्फ पानी की ज़रूरत है मुझे और किसी चीज़ की नहीं। तो शायद यही सफ़र में हम सीखते हैं दोस्तों कि कितना मतलब हमें चीज़ें मिल रही हैं लेकिन हम फिर भी उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हैं। देखिए आप, ये सामने रखा हुआ है ये पानी है, यहाँ पे ये टैंक लगा हुआ है, क्योंकि रास्ते में आप कहीं भी जाएंगे देखिए दूर दूर तक कुछ भी दिखती नहीं है, एक एक ही बड़ी बड़ी बसें दिखती हैं,
बट पानी पीना होगा तो आपको यहाँ से पीना होगा। ये बिल्कुल धूप का पानी है, लेकिन पीना आपको पड़ेगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है। तो सबसे पहले मैं पीता हूँ पानी बिकॉज बहुत तेज प्यास लगी है यार। इतनी धूप है, इतनी धूप है कि मैं क्या बताऊं आपको, बहुत धूप है यार। आप लोग यहीं रहते भी हैं भैया? बड़ा अच्छा है। अभी लगे तो अभी लगेगी थी। क्या लगेगी? ड्यूटी। अभी फर्स्ट क्लास ड्यूटी बनेगी। अच्छा अच्छा, बैठ चले जाइए चले जाइए, कोई दिक्कत। हाँ। क्या बनेगी अभी मतलब जी? ये नीचे में बनेगी टुआ। अच्छा, काम चला रहा है किचन में। दोस्तों, अब इस जगह को मैं छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने एक घंटे करीब बिताए इस धूप में। इसने मेरी एक घंटे तक हेल्प की और इस पानी ने मतलब मेरी प्यास बुझाई। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। लखनऊ 182 किलोमीटर और शेष रह गया है और मैं करीब 200 किलोमीटर लगभग बाइक चला चुका हूँ और मज़ा आ रहा है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि इस रोड पे कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, बट इट्स ओके। ये प्लेस, सीधा रास्ता उतरने के लिए और ये सामान के साथ मैं, चलिए चलते हैं दोस्तों, काफ़ी रिस्की है। मैं बहुत ही आराम से उतर रहा हूँ क्योंकि इसकी प्रैक्टिस है मुझे थोड़ी सी। सो बिल्कुल धीरे धीरे मैं नीचे आ गया और ये वो कुटिया जहाँ पे मैं मतलब, क्योंकि यार अब बाइक चला नहीं सकता था मैं, काफ़ी थक चुका हूँ। 200-250 किलोमीटर लगभग हो गया है और कोई कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है, बट ठीक है, इट्स ओके। ये जगह को देखिए आप प्लीज़, क्या जगह है ना, ये क्या जगह है यार। ओ बाबा, इससे खूबसूरत जगह कोई नहीं हो सकती है दोस्तों। मैं इतना देर मतलब काफ़ी टायर्ड हो चुका हूँ क्योंकि बिल्कुल मतलब एक टक बाइक चलानी पड़ी तो, बट ये एक जगह मिली मुझे जो काफ़ी खूबसूरत है। मैं ऊपर से हाईवे से नीचे उतरना पड़ा फाइनली मुझे और दिस इज़ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं थोड़ा देर यहाँ पर आराम करूँगा, रेस्ट करूँगा, उसके बाद ही कहीं जाऊँगा। पानी और खाना तो नहीं मिलने वाला है लेकिन आराम बखूबी मिलने वाला है। कुछ देर यहाँ पे रहा मैं, फिर अभी निकल गया हूँ, फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा यार। साला धूप है कि ख़त्म नहीं हो रही है। ओ भाई, फाइनली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हाईवे पे ये पहली दुकान मिली है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे कुछ खाऊंगा।
ये पूरे हाईवे पे मुझे लग रहा है कि यही एक शॉप होगी जहाँ पे कुछ मिल रहा है करीब 350 किलोमीटर दूरी पे। दोस्तों लखनऊ भी पहुंच गया मैं।